हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो पे हम फेस लॉक्ड लूप कवर करने वाले हैं। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन। सो इस वीडियो में हम PLL का पूरा कंसेप्ट देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ PLL, फिर उसकी ब्लॉक डायग्राम, फिर उसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन, फ्री रनिंग, कैप्चर, फेस लॉक्ड, और फिर कैप्चर रेंज, लॉक रेंज। ये सारे टर्मिनोलॉजीज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम IC 565 देखेंगे, जो कि PLL IC है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फेस लॉक्ड लूप कंसेप्ट। सो इसकी कंसेप्ट बहुत सिंपल है। सो PLL इज गोइंग टू सिंक्रोनाइज योर इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। सो आपके पास अगर कोई एक सिग्नल अवेलेबल है कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का एंड पर्टिकुलर फेज का, तो उसको इनपुट से, मतलब रेफरेंस सिग्नल से, सिंक्रोनाइज करने का काम, मैच करने का काम PLL करता है। तो ये एक लूप है। ओके, ये एक फीडबैक सिस्टम है, एक कंट्रोल सिस्टम है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप इसका ब्लॉक डायग्राम देखो, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी सिर्फ कंसेप्ट समझो। तो हमारे पास एक रेफरेंस इनपुट है और एक आउटपुट है। अभी ये दो फ्रिक्वेंसीज हमें मैच करनी है, सिंक्रोनाइज करनी है। तो PLL का काम क्या है कि एफ इन और एफ आउट को मैच कराओ। ओके, ये PLL का गोल है। तो अभी ये जो फ्रिक्वेंसी आती है, जो हम फीडबैक से फिर से इनपुट साइड में भेजते हैं, वो आती है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से। ओके, अभी ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है, VCO। ओके, तो VCO आपको पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करके देगा। ओके, वो आप कंपेयर कर रहे हो आपके रेफरेंस के साथ। ओके, अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरे पास एक आइडियल फ्रिक्वेंसी है, एक आइडियल इनपुट है, या फिर आप एक्सपेक्टेड बोल सकते हो, जिससे मुझे इसको मैच कराना है, अगर मेरे पास ये ही अवेलेबल है, तो मैं ये ही डायरेक्ट क्यों नहीं दे सकती जहाँ भी मुझे चाहिए। मैं ये फीडबैक लगा के, इनको कंपेयर करके ये सब क्यों कर रही हूँ? सो व्हाई कांट आई यूज़ दिस डायरेक्टली? यू कांट यूज़ इट डायरेक्टली बिकॉज ये जो रेफरेंस सिग्नल्स होते हैं वो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं। जिन रेफरेंस ऑसिलेटर्स से ये सिग्नल्स आते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे क्रिस्टल ऑसिलेटर, तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम होती है, इनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बट लो फ्रिक्वेंसी होती है। ओके, और VCO का उल्टा है। VCO आपको हाई फ्रिक्वेंसी देगा, बट हाई फ्रिक्वेंसी का प्रॉब्लम क्या होता है? हाई फ्रिक्वेंसी ईजीली नॉइज से अफेक्ट हो जाती है। सो VCO को टेम्परेचर एक्सेट्रा ये फैक्टर्स ईजीली अफेक्ट करते हैं, इसलिए इसका जो आउटपुट है वो स्टेबल नहीं है। तो हम ये फीडबैक वगैरह इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें फोर्स करना है VCO को टू फॉलो दिस रेफरेंस विच इज़ स्टेबल। ये सिंपल फंडामेंटल कंसेप्ट है इसकी। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ इनपुट एंड व्हाट इज़ आउटपुट। ओके, इनको सिंक्रोनाइज करना है, मतलब इनकी फ्रिक्वेंसी और फेज सिंक्रोनाइज करनी है। तो अभी PLL के नाम में है फेज लॉक्ड लूप, मतलब फेज, बट ये जो मैच कर रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है? एफ इन एंड एफ आउट, मतलब फ्रिक्वेंसी मैच कर रहा है, बट उसे हम बोल रहे हैं फेज लॉक्ड लूप। ये क्यों, ये डिफरेंस क्यों है? अभी मैं आपको फेज और फ्रिक्वेंसी का जो रिलेशन है वो शॉर्ट में बताती हूँ, फिर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी ये दो सिग्नल्स आप देखो, इनमें फेज डिफरेंस है। तो जब दो सिग्नल्स में कोई फेज डिफरेंस है, ओके, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम नहीं होगी, बट वो फेज डिफरेंस हर एक इंटरवल पे कांस्टेंट है तो बात अलग है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हर एक इंटरवल पे आपको कुछ अलग अलग फेज डिफरेंस नज़र आएगा, बट अगर आप ये डायग्राम देखोगे, अगर फेज डिफरेंस है और हर एक इंटरवल पे वो सेम है, कॉन्स्टेंट है, तो दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है। तो ये रिलेशन आपको अभी यहाँ पे नोट करना है। तो PLL क्या करता है, जब आपके फेज डिफरेंसेस कांस्टेंट बन जाएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। तो PLL दो सिग्नल्स को कैसे सिंक कर रहा है कि उनकी जो फेज डिफरेंस है वो लॉक कर रहा है, वो कांस्टेंट कर रहा है, ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। ओके, सो इन दिस वे PLL इज सिंक्रोनाइजिंग टू सिग्नल्स।
तो पीएलएल में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती है लोगों को, अगर किसी ने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा नहीं है, और अगर आप उनको जाके पूछोगे कि पीएलएल क्या करता है, तो वो बोलेगा कि वो इनपुट की और आउटपुट की फेज इक्वल करता है। पीएलएल दो सिग्नल्स की फेज बराबर नहीं करेगा, इक्वल नहीं करेगा, वो आपके दो सिग्नल्स का फेज डिफरेंस कांस्टेंट करेगा। ओके, वो फेज डिफरेंस लॉक करेगा। और क्यों कांस्टेंट करेगा, ये हमने अभी देखा कि जब दो सिग्नल्स में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, और अगर वो फेज डिफरेंस बदल रहा है एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम तो वो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती है। तो अभी कंसेप्ट के बाद हम देखते हैं पीएलएल की ब्लॉक डायग्राम। तो पीएलएल के ब्लॉक डायग्राम में तीन ब्लॉक्स है, फेज डिटेक्टर, लो पास फिल्टर और वीसीओ। ओके, इसमें से ये जो वीसीओ है वो इम्पॉर्टेंट है, तो वीसीओ पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, बट शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि वीसीओ क्या है जिनको पता नहीं है। तो वीसीओ क्या है कि एक तरह का ऑसिलेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी आप इनपुट वोल्टेज से कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, नाम ही है वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, ऐसा ऑसिलेटर जिसकी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज से कंट्रोल होती है। तो अगर आप यहाँ पे जो इनपुट दे रहे हो वो इनपुट बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, अगर वो इनपुट घटाओगे तो फ्रीक्वेंसी भी घट जाएगी, सिंपल। तो इनिशियली जब आपका रेफरेंस इनपुट प्रेजेंट नहीं है तो वीसीओ अपनी खुद की फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी पे चल रहा होता है। सो इनिशियली वीसीओ रन सेट एफओ, मतलब फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, अभी ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे डिसाइड होती है, वीसीओ में हमने देखा था कि वीसीओ को हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टर और कैपेसिटर भी लगाते हैं, और यहाँ से जो इनपुट वोल्टेज जा रहा है वो भी है, तो इन तीन फैक्टर से। तो अभी ये प्रेजेंट नहीं है, मतलब जो आप एक्सटर्नली कंपोनेंट्स आर और सी लगाओगे उनके वैल्यूज पर डिपेंड है आपकी फ्री रनिंग फ्रिक्वेंसी। ओके, तो वो फ्री रनिंग फ्रिक्वेंसी पे चल रहा होता है। अभी जब आप रेफरेंस इनपुट अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि ये वीसीओ का जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे एफ इन जा रहा है फेज डिटेक्टर को, तो फेज डिटेक्टर ये दोनों फ्रिक्वेंसीज को कंपेयर करता है। ओके, ये फेज डिटेक्टर इज नथिंग बट अ मल्टीप्लायर। ओके, तो उसको दो फ्रिक्वेंसीज आपने दे दी, F1 एंड F2। सपोज सपोज दो फ्रिक्वेंसीज के ऐसे दो साइन वेव्स हैं। ओके, तो अगर इनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, साइन ए साइन बी, मल्टीप्लीकेशन किया मल्टीप्लायर ने। अभी ये मैथ्स में हमने पढ़ा है कि साइन ए इंटू साइन बी का जो आंसर है वो क्या आता है, तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लायर के आउटपुट में दो फ्रिक्वेंसीज मिलेंगी, F1+F2 एंड F1-F2। ओके, तो फेज डिटेक्टर ने हमें ये दो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स दे दिए। अभी यहाँ पे फेज डिटेक्टर का काम खत्म। अभी फेज डिटेक्टर के आगे LPF लगा हुआ है। LPF क्या है, लो पास फिल्टर, तो सिर्फ वो लो फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा, तो ये जो लो फ्रिक्वेंसी है वो पास हो जाएगी LPF से और जो हाई फ्रिक्वेंसी है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, तो फेज डिटेक्टर ने हमें एफ इन और एफ आउट को कंपेयर करके एक एरर सिग्नल दिया। एरर सिग्नल मतलब क्या, एफ इन माइनस एफ आउट, जो एफ इन प्लस एफ आउट था वो तो LPF ने रिजेक्ट कर दिया। अभी इनिशियली देर विल बी सम डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी एंड फेज, सो उस एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग हमें कुछ एरर वोल्टेज मिलेगा, ये एरर वोल्टेज जाएगा VCO को, लास्ट ब्लॉक को। फिर VCO क्या करेगा, इस एरर वोल्टेज के अकॉर्डिंग उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज डिक्रीज होगी, और वो फ्रीक्वेंसी फिर से उस फेज डिटेक्टर को जाएगी, फेज डिटेक्टर फिर से कंपेयर करेगा, अगर अभी भी डिफरेंस है तो फिर से कुछ एरर सिग्नल जनरेट होगा, फिर से उससे फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होती रहेगी। ओके, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होते, वो एरर जो है वो ज़ीरो नहीं होता। मतलब सपोज आपकी जो एफ इन है वो है 300 इनपुट फ्रीक्वेंसी और जो वीसीओ की फ्रीक्वेंसी है वो है 100। ओके, सो पहले फेज डिटेक्टर ने कंपेयर किया, 300 से 100 माइनस हो गए, डिफरेंस आ गया 200। ओके, उससे कुछ वोल्टेज जनरेट होके वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर ने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, अभी वीसीओ की फ्रीक्वेंसी हो गई 200, फिर ये फ्रीक्वेंसी यहाँ आके 300 के साथ कंपेयर हो गई, अभी भी डिफरेंस है, अभी डिफरेंस क्या है, 300-200 100। ओके, अभी ये डिफरेंस कम हुआ, फिर लो पास फिल्टर का आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा,
लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऐसे होता है, तो फॉर मिनिमम इनपुट उसकी जो गेन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो LPF को मिलने वाला जो डिफरेंस है वो कम हो गया, तो इसका जो वोल्टेज है वो बढ़ गया। VCO का इनपुट वोल्टेज बढ़ गया तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई, तो अभी उसने जनरेट की 300, अभी 300 यहाँ पे आई और यहाँ से कंपेयर हुई, नाउ FIN इज इक्वल टू FOUT, तो अभी जो डिफरेंस आया वो क्या आया, जीरो। मतलब अभी FIN एंड FOUT सिंक्रोनाइज हो गए, इक्वल हो गए, तो ऐसे ये लूप चल रहा है, और जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो लॉक हो जाता है। तो PLL के तीन ऑपरेशन मोड्स हैं, या आप स्टेट्स भी बोल सकते हो। तो फर्स्ट इज फ्री रनिंग स्टेट, तो जब इनपुट में कुछ भी नहीं होता है इनिशियली, देर इज़ नो रेफरेंस इनपुट, तो VCO अपनी खुद की फ्रिक्वेंसी पे चल रहा होता है, वो होती है फ्री रनिंग फ्रिक्वेंसी। ओके, तो इसीलिए बोलते हैं PLL इज़ रनिंग इन फ्री रनिंग स्टेट। ओके, फिर आपने रेफरेंस में कुछ तो लगाया, अभी जो PLL है वो कैप्चर कर रहा है उस फ्रिक्वेंसी को, तो इन कैप्चर मोड VCO की फ्रिक्वेंसी बदलती रहती है जब तक वो इनपुट फ्रिक्वेंसी से मैच ना करे। ओके, और जब वो मैच हो जाती है, जब FOUT इक्वल टू FIN हो जाता है, तो उसे कहते हैं फेज लॉक्ड स्टेट, मतलब वो फेज लॉक हो गई, अभी फ्रिक्वेंसीज इक्वल हो गए। ओके, तो लूप क्या स्टेट एक्वायर करता है, फेज लॉक्ड। ओके, अभी इसके रेंजेस देखते हैं, कैप्चर रेंज एंड लॉक रेंज। पहले तो PLL कैन एक्वायर लॉक स्टेट ओनली व्हेन द इनपुट सिग्नल इज विद इन कैप्चर रेंज। इसका मतलब क्या, सपोज आपने अभी कुछ भी इनपुट में नहीं दिया है और फ्री रनिंग स्टेट में PLL चल रहा है। ओके, इट इज़ रनिंग एट FO फ्रिक्वेंसी, फिर आपने कुछ FIN अप्लाई किया, अभी इस FIN को इस रेंज में होना चाहिए तभी PLL लॉक स्टेट एक्वायर कर सकता है, मतलब लॉक हो सकता है। सपोज ये रेंज है 5 and 50। ओके, और अगर आपका इनपुट सिग्नल है 8, तो VCO उसको फॉलो करेगा, वो एरर डिफरेंस कम होगा और एट सम पॉइंट वो लॉक हो जाएगा। बट अगर आपका इनपुट सिग्नल है 2, ओके, अभी ये कैप्चर रेंज के बाहर चला गया, तो VCO उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, तो इन दैट केस PLL कभी लॉक नहीं हो सकता। ओके, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, कैप्चर रेंज इज द रेंज ऑफ इनपुट फ्रिक्वेंसीज अराउंड VCO सेंटर फ्रिक्वेंसी इन विच द लूप कैन लॉक when starting from unlocked condition. So input frequencies should fall under this range for PLL to acquire lock state. Okay? अभी lock range क्या होती है, अभी lock range picture में आती है जब आपका PLL already lock हो चुका है। Okay, capture range क्या थी, capture range was a condition कि ऐसे ऐसे होने से ही आपका PLL lock हो जाएगा। But lock range क्या है, कि आपका PLL किस कंडीशन में लॉक रह सकता है वंस इट हैज रीच्ड इन लॉक कंडीशन। ओके, सो लॉक रेंज इज द रेंज ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसीज ओवर विच द लूप रिमेन इन द लॉक कंडीशन वंस इट हैज कैप्चर्ड द इनपुट सिग्नल। मतलब आपका PLL अभी लॉक हो चुका है और ड्यू टू सम रीजन इनपुट फ्रीक्वेंसी को कुछ हो गया और वो इस लॉक रेंज से बाहर चली गई, तो आपका PLL अनलॉक हो जाएगा, लॉक कंडीशन से बाहर आ जाएगा, फिर VCO उसको तब तक नहीं फॉलो कर पाएगा जब तक वो फिर से कैप्चर रेंज के अंदर नहीं आएगा। समझ रहे हो? सो सपोज इफ आई टेक द सेम एग्जांपल, फ्रॉम 5 to 50 इज योर कैप्चर रेंज एंड फ्रॉम 1 to 100 इज योर लॉक रेंज। ओके, तो पहले तो फ्री रनिंग चल रहा है, तो अगर आपका इनपुट है 8 तो वो कैप्चर हो जाएगा, फिर PLL लॉक हो जाएगा। अभी PLL लॉक हो गया, अभी सपोज किसी ने सप्लाई बंद किया, रेफरेंस वोल्टेज जीरो हो गया, तो इस लॉक रेंज से वो बाहर चला गया, तो अभी PLL का जो लॉक है वो टूट गया, वो लॉक कंडीशन के बाहर आ गया। अभी वो फिर से फ्री रनिंग में रन हो रहा है, अगर उसे फिर से लॉक होना है तो इनपुट सिग्नल को फिर से कैप्चर रेंज में आना पड़ेगा। ओके, सो नाउ इट इज़ क्लियर कि लॉक होने के लिए इसके अंदर आना पड़ेगा और अगर अनलॉक नहीं होना है तो इसके बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सिंपल। सो अभी हमने पूरा कवर किया है कि कैप्चर रेंज क्या होती है, लॉक रेंज क्या होती है, व्हाट आर 3 स्टेट्स ऑफ PLL, फिर हमने ब्लॉक डायग्राम अच्छे से पढ़ा है।
कंसेप्ट अच्छे से देखिए कि फेस लॉक लूप के क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं वगैरह. ओके, सो हमने पूरा कवर किया है PLL. नेक्स्ट वीडियो में हम 565 IC देखेंगे. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझा है. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरी पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.